नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन का मंच एक बार फिर सजने वाला है। दुनिया भर के खिलाड़ी इस मैदान में आएंगे और उसके बाद टीमें उनकी मोटी मोटी बोली लगाएंगे। कई खिलाड़ी लाखों में बिकेंगे, वहीं कुछ खिलाड़ी होंगे वो करोड़ों में भी बिकेंगे। जो खिलाड़ी 8 टीमों ने रिटेन कर लिए हैं वे मेगा ऑक्शन में नहीं जाएंगे। इस बार पुराने खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में जाएंगे तो कुछ नए खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हर बार के मेगा ऑक्शन से पहले ये सवाल जरूर सामने आता है कि क्या इस बार फिर हमें आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी, जी हाँ आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। पिछली बार मिनी ऑक्शन हुआ था तब आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी हमें मिला था, तब टीमों के पर्स में 85 करोड़ रुपए थे और इस बार तो ये रकम भी पूरे 5 करोड़ रुपए बढ़ करके 90 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्या मेगा ऑक्शन से पहले ही हमको सबसे महंगा खिलाड़ी मिल जाएगा या फिर मेगा ऑक्शन में आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी हमें मिलने वाला है, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी सबसे पहले तुरंत एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आईपीएल के अभी तक के इतिहास की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं। जी हाँ, क्रिस मॉरिस, जिन्हें पिछले बार के ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, उन पर कई टीमों ने बोली लगाई और जब बोली 16.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई तो पता चला कि बाकी टीमें पीछे हट गईं और राजस्थान रॉयल्स ने जो सबसे महंगी बोली लगाई थी वो उनके साथ हो लिए। इसी के साथ उन्होंने सारे रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त कर दिए थे। इस बार भी मेगा ऑक्शन में ऐसा ही होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेगा ऑक्शन से पहले ही हमें सबसे महंगा खिलाड़ी मिल जाएगा। जी हाँ, इस मेगा ऑक्शन से पहले ही हमको सबसे महंगा खिलाड़ी मिल जाएगा। इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पंजाब किंग्स के कप्तान रहे केएल राहुल इस बार लखनऊ की टीम से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। न केवल टीम से खेलेंगे बल्कि वो टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, कप्तानी भी वो टीम की करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा भी किया जा रहा है कि केएल राहुल को करीब 20 करोड़ रुपए, जी हाँ 20 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक टीम और खुद केएल राहुल की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अगर 20 करोड़ नहीं तो इससे 1-2 करोड़ कम भी अगर कर लिए जाएं तब भी आईपीएल का सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने आप टूट जाएगा। जहां अगर 18 करोड़ रुपए या फिर 19 करोड़ रुपए भी हो जाएंगे तो भी ये रिकॉर्ड अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मेगा ऑक्शन में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी भले हों लेकिन अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली हैं। जी हाँ, आप भले ही चौंक रहे हों लेकिन आपको हम विस्तार से बताते हैं। आरसीबी उन्हें रिटेन करती रही और पिछली बार जब 17 करोड़ रुपए में उन्हें रिटेन किया गया था, यानी कि वो 17 करोड़ रुपए में टीम के साथ थे, यानी कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली ही थे, लेकिन वे ऑक्शन में नहीं चुने गए थे, वो रिटेंशन में 17 करोड़ रुपए में टीम के साथ रहे थे। केएल राहुल की बात करें तो वे टीम के लिए कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। वे सलामी बल्लेबाज भी हो सकते हैं, वे टीम के लिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ वो कप्तानी भी कर सकते हैं, यानी कि एक तीर से कई निशाने टीम साध सकती है केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करने से। ऐसे में अगर उनकी बोली बहुत ऊंची चली जाए ऑक्शन में, अगर उनकी बोली ऊंची चली जाए तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यह भी कि अभी तक केएल राहुल के नाम का ऐलान कर भी दिया गया होता लेकिन बीसीसीआई ने अभी लखनऊ और अहमदाबाद को रोका हुआ है, इसलिए ऐलान नहीं हो पा रहा है। जल्दी अहमदाबाद का मामला निपटने की संभावना जताई जा रही है और ऐसा जैसे ही होगा उसी के साथ दोनों टीमें यानी कि अहमदाबाद और लखनऊ अपने उन 3-3 खिलाड़ियों का ऐलान कर देंगी जो उन्होंने ऑक्शन से पहले ही अपने पाले में कर लिए हैं। ये तो मीडिया रिपोर्ट की बात जो हमने आपको बताई कि 20 करोड़ रुपए की। आपको क्या लगता है कि केएल राहुल की असली वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या वो ऑक्शन से पहले ही खरीद लिए जाएंगे और उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? उन मीडिया रिपोर्ट्स पर मत जाइएगा जो हमने आपको बताया, उस पर मत जाइएगा, अपनी बात बताइएगा। और अगर कहीं महंगा ऑक्शन में चले जाते हैं केएल राहुल तो फिर उनके कितनी बोली लगेगी हमें अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हर कीमत पर बताइएगा। और अपनी बात तो जो भी और कुछ कहना चाहें तो वो भी बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले फिर आपसे एक इल्तिजा, रिक्वेस्ट, निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। बेल का आइकन दिख रहा है यानी कि जो घंटी दिख रही है उसे भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो लेकर के लाइव सेशन में हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार।